जशपुर के होमगार्ड अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 2/2011 शारीरिक परीक्षा में पास हुए परंतु मेरिट लिस्ट से वंचित होमगार्ड अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से गुहार लगा रहे क्योंकि 12 वर्षों के बाद बहाली कराए गए आरा न्यू पुलिस लाइन में शारीरिक परीक्षा लिया गया था जिसमें 668 अभ्यर्थी सफल हुए जिसमें से 187 को चयनित किया गया, लगभग 350 अभ्यर्थी बच गए। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी चयनित किया जाए क्योंकि 12 वर्षों के बाद कराई गई बहाली ये सरकार की कमी है। भोजपुर जिले में सूचना के अनुसार 800 से 900 करीब होमगार्ड के जवानों के पद खाली है, दूसरे जिला से आकर भोजपुर में सेवा दे रहे हैं। क्यों नहीं भोजपुर जिले के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए, हम सबका उम्र नहीं बचा है और ना ही किसी और बहाली में जा सकते हैं। भोजपुर जिले के जिला पदाधिकारी एवं गृहरक्षा वाहिनी कार्यालय भोजपुर में भी हम लोग मिलकर इस बात की तो उन लोगों के द्वारा पेमेंट देती है ये बताइए पेमेंट किस लिए देती है ना? सेवा दे रहे थे बोलिए कि सेवा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने क्या बोले कि फोन फोन का फोन लगाइए, मुंह से गाली नहीं आता है इसमें जो दिलासा दिलाया गया कि बाबू ऊपर से आदेश होगा तो हम बहाली आप लोगों को करा देंगे। इसलिए बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि विज्ञापन संख्या 2/2011 में लगभग 350 होमगार्ड अभ्यर्थी रोड पर भटक रहे हैं, इसलिए हम सबको चयनित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी सफल होमगार्ड अभ्यर्थी लोग आज आरा में जेपी स्मारक के समीप भूख हड़ताल पर बैठे और नियुक्ति नहीं होने तक बैठे रहेंगे, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमें नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो हम सब आत्महत्या करने को भी तैयार हैं। भोजपुर होमगार्ड सफल अभ्यर्थी पटा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, डर आ रहे हैं। सरकार ऐसी बिहार को बर्बाद किया है तो यहीं का सरकार बर्बाद किया है। हम युवाओं का रोजी रोजगार का यही स्थिति है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं ऐसे सरकार को सब लोग मिलकर खत्म किया जाए। ऐसे सरकार ऐसा तीन दिन से लोग हम भी मुंह नहीं धोए हैं, तीन दिन से स्थिति वो बनी है हम लोग का, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आला अधिकारी यहाँ तो ही है आप लोग कर रहे हैं, क्यों आमरण अनशन कर रहे हैं? आमरण अनशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 02/2011 विज्ञापन 2011 में बिहार सरकार ने फार्म निकाला था होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए भोजपुर जिला में 220 सीट निर्धारित किया था, उसमें हम लोग ने 2011 में फार्म भरा। सरकार की लापरवाही के बदले मतलब उनके लापरवाही के वजह से ये इसका फिजिकल जो है 2022 में अप्रैल महीने में लिया गया। हम लोगों सारे अभ्यर्थी जो हैं यहाँ 350 अभी मौजूद हैं, ये सारे लोग सरकार के सारे मापदंड जो निर्धारित था उसको पास किए हैं। पास करने के बाद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर हैं। तीन दिन सीटों पर नियुक्ति होनी थी, नियुक्ति 220 सीटों पर होनी थी। आप लोग कितने अभ्यर्थी थे? 300 लगभग 688 अभ्यर्थी उसमें सफल हुए, 688 सफल हुए जी जी। तो अभी तक नियुक्ति उसको लेकर मेरिट कोई लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, उसमें कम सीट पर ही मेरिट लिस्ट जारी करके उसमें कुछ लोग को ज्वाइनिंग कराया गया है, बाकी लोग को ऐसे छोड़ दिया गया है। अभी स्थिति यह है कि भोजपुर जिला में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मंगा कर होमगार्ड के जवान से ड्यूटी कराई जा ली जा रही है। हम लोग 350 लोग सफल होकर भी यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। अभी कितनी सीटें रिक्त हैं? सीट तो अभी 37 विज्ञापन के
अनुसार रिक्त हैं, लेकिन अभी यहाँ जो रिटायरमेंट 90 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई है भोजपुर जिला में, होमगार्ड की कोई विज्ञापन नहीं निकला है 90 के बाद से, तो उसके अनुसार से जो रिटायरमेंट होने वाले की संख्या है लगभग 800 है, मतलब 800 रिक्त पद यहाँ खाली है। हम लोग 350 लोग अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं, 350 लोग को कम से कम नियुक्ति इनको देना चाहिए। अभी आप लोग 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, कितने साथी आपके आमरण अनशन पर? हमारे लगभग यहाँ सैकड़ों की संख्या में साथी आमरण अनशन पर है, जिसमें 3 साथियों की लगभग हालत कल से नाजुक बनी हुई है। कल हम लोग सदर अस्पताल भी लेकर गए थे, आज भी एक महिला साथी का हालत बहुत बेहद नाजुक है। अभी एम्बुलेंस को हम लोग बुला रहे थे, वो एम्बुलेंस लेकर भाग गए, यहाँ छटपटा रही है। एम्बुलेंस में आप ही के साथ के लोग जी? उसमें एक साथी को लेकर गए हैं और बाकी लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या नाम है जिनका तबियत खराब हुआ? उनका नाम नितेश ठाकुर होगा। अभी एक महिला की तबियत, उनके जी उनका रेणु कुमारी नाम है। आप अपना परिचय? मेरा नाम कामेश्वर सिंह होगा, होमगार्ड अभ्यर्थी भोजपुर।